कि कोई राजनीतिक बहस का भारत समाचार जिक्र नहीं करेगा। वही बयान हम आपको दिखाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बयान एकता में अनेकता को आगे बढ़ाता हो, कौमी एकता को आगे ले जाता हो। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है अयोध्या मुद्दे पर। भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फैसले का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा, ये कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट है जो उन्होंने किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सारे नेता, राजनेता एक साथ नजर आ रहे हैं, एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। इसके पहले मायावती ने ट्वीट किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी सब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसके लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को मिली है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई है और संजय सिंह चौहान अयोध्या की धरती पर मौजूद है और वहां पर मौजूद है जहां पर बहुत सालों से पत्थर तराशे जा रहे थे। जरा दिखाइए उन पत्थरों को भी, और संजय आप कहां पर मौजूद है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए और वहां के माहौल के बारे में बताइए जिसका इंतजार अयोध्यावासी कर रहे थे और सबसे ज्यादा जिसका इंतजार अयोध्यावासियों को था और वो आज खुश भी होंगे। जरा बताइए, डिटेल दीजिए आप। बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं आपको कि जिस फैसले का की घड़ी का इंतजार था, जिस फैसले को लोगों से वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो फैसला आज आ चुका है और मैं इस समय कार्यशाला पर मौजूद हूं। कार्यशाला में भी कौतूहल का विषय है, लोग अगर अयोध्या आते हैं तो कार्यशाला को घूमने जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है और कार्यशाला में जो काम था वो, हालांकि अभी जो पत्थर के तराशे जाने का काम था वो लगभग बंद है, क्योंकि जिस तरीके से 40 दिन का काम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी तो उस दौरान से ही काम यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन माना जा रहा है, लोगों की उम्मीदें हैं कि ये काम फिर से शुरू होगा। तमाम लोग यहाँ पर हैं राहुल, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राम लला का वनवास खत्म किया है, मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ना आपकी जीत हुई ना हमारी जीत हुई है, ये जीत हुई है सत्यता की जीत हुई है। और ये रामलला का जो डिसीजन आया वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही शानदार जजमेंट आया हुआ है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये राम मंदिर बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से रामलला वर्षों से त्रिपाल में थे, आज ऐतिहासिक फैसला आया, किसका इसका फैसले का कब से इंतजार था आप लोगों को? इस फैसले का तो बरसों से इंतजार था, लंबे वर्ष से चला आ रहा था, लेकिन आज का जो ऐतिहासिक फैसला आया है ये एक इतिहास रचा गया है। आज के दिन में हम सम्मान करते हैं इस फैसले का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। आने वाले दिनों में यहाँ पे भगवान की भव्य मूर्ति का निर्माण होगा और सभी देशवासी आगे मिलके, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, सभी लोग मिलके यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मैसेज और दिया है कोर्ट ने कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण तो होगा लेकिन अयोध्या में मस्जिद भी होगी, 5 एकड़ जमीन, उस जमीन को का इंतजाम भी सरकार को करना होगा। उसके लिए सरकार को गठन करना है, वो सरकार की प्रक्रिया है, सरकार उसका गठन करेगी, उनको जहां उचित होगा वहां पे उनको दिया जाएगा। जिस तरीके से ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, तुम्हें आपको याद है कि ये विवाद कब खड़ा हुआ था, कहां कहां पे चला या कितने दिनों से चल रहा है? जी, ये पिछले 70 साल से ये विवाद अब तक चल रहा है, जो आज के दिन हमारे भारत, पूरे भारतवर्ष के लिए, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही गौरव का बात है और पूरे हिंदू समाज के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करते हो। चलिए संजय, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आवेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से, जिन्होंने आज इस पूरे फैसले को सुना,
उसे देखा, वो हमारे साथ है। सबसे अहम वो बात आवेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसको आधार मानकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज का फैसला सुनाया है। जी देखिए, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम पक्षकार की जो पेटिशन है उसको खारिज करने की जहाँ तक बात है, वो लिमिटेशन को आधार बनाया गया और उसने यही बात कही है कि लिमिटेशन जो थी वो देर में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, माफ़ करिएगा, देर में इन लोगों ने पेटिशन दाखिल किया था लोअर कोर्ट में, उसको आधार मान के ये पेटिशन जो है वो खारिज की गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है तफसील से पढ़ना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जिरा हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी भी तारीफ की और कहा कि हिंदू पक्षकार की तरफ से सी एस वैद्यनाथन हो, पी एन मिश्रा हों और जो बाकी दीगर वकील थे उन्होंने जिस तरह से जिरा की है उसकी भी तारीफ की। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो ये बात साबित करने में असफल रहे हैं कि वहाँ पे उनका अधिकार रहा है। हालांकि ये बात 18वीं सदी से पहले ये बात 28वीं सदी तक ये बात नहीं साबित कर पाए कि वहाँ पे कभी नमाज पढ़ी जाती रही है या मुस्लिम पक्षकारों का वहाँ पे अधिकार रहा है, मगर इसके इतर अगर देखा जाए तो उसमें ये बात साबित सिद्ध हुई है कि वहाँ पे हिंदू पक्षकार जो हैं वो लगातार पूजा करते आ रहे थे, हिंदू पूजा करते आ रहे थे। जब 1885 में मामला कोर्ट में पहुँचा था उस दौरान वहाँ पे ग्रिल खींच दी गई थी जिसको अंदरूनी हिस्सा और बाहरूनी हिस्से में बांट दिया गया था 1885 में, तो वो इसलिए बांटा गया था ताकि दोनों पक्षकार जो हैं, दोनों लोग जो हैं धर्मों के लोग वहाँ पे पूजा कर सकें। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि जो मुस्लिम पक्षकार है वो इस बात को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि 18वीं सदी तक वहाँ पे किसी भी तरह का नमाज की अदायगी या कोई भी जो बात थी वो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार करते रहे। और बाकी अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें तो 936 पेज का जजमेंट है, उसमें कई बातें लिखी हुई है, कई बातों को ग्राउंड बनाया गया। उसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरह से एएसआई का सबूत मिले हैं, एएसआई में जो बातें जो सबूत के तौर पे जो चीज़ें निकली थी ज़मीन में खुदाई के दौरान, वो कोई भी ये नहीं दर्शाती हैं कि वहाँ पे कोई मुस्लिम स्ट्रक्चर रहा होगा। और वहाँ पे जो भी चीज़ें उससे यही सिद्ध होता है कि वहाँ पे एक हिंदू स्ट्रक्चर था, जो इस बात का इशारा करता है कि वहाँ पे मंदिर हो सकता है जिस सदी की वो बात की जा रही है कि बहुत पहले वहाँ पे 6वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में वहाँ पे एक भव्य मंदिर था जिसको तोड़ के बाद में बाबर आए और उन्होंने मस्जिद बना दिया था उस स्ट्रक्चर। चलिए बिल्कुल, ये आप हमारे साथ बने रहिए। सीमा, अब उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जिस तरह से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस बात को लेकर तमाम चीज़ों की घोषणा पहले ही कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से ठीक एक दिन पहले, 3 दिन की एक तरह से कहा जाए तो, स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी कि 11 तारीख तक सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जो भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा वो सुबह से ही आज मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो भी अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर कोई भी अराजक तत्व किसी तरह का माहौल न खराब कर पाए, इस चीज़ को लेकर वो खुद निगरानी कर रहे थे। 5 कालिदास मार्ग पर उन्होंने जो है वो DGP को बुलाया, अपर मुख्य सचिव गृह को बुलाया और इन लोगों के साथ बैठक की और फिर 112 जो बना हुआ है बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे मामले की और उसके बाद वो 5 कालिदास मार्ग पे आके लगातार संपर्क बनाए हुए थे सीधे तौर पे तमाम ज़िले के ज़िला अधिकारियों से, तमाम SP से कि किसी तरह की कोई बात हो या कहीं किसी तरह का कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करें तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ज़िला प्रशासन जहाँ जहाँ भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था, निश्चित तौर पर चुनौती अब अभी भी और है, बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ लगातार लोकेश भी जुड़े हैं और दानिश भी जुड़े हैं, दानिश से जानेंगे कि NCR का क्या हाल है इस फैसले आने के बाद, किस तरह से लोगों में रिएक्शन है उस बात की जानकारी आपको दानिश देंगे। दानिश बताइए आप। चलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसा कि हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं होंगे, जो फैसला आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी आधार पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता को जान और समझ रहे हैं, प्रमोद गोस्वामी जी भी हैं हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा, जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था वो फैसला आ गया है, सबसे बड़ी बात है ASI की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उसमें। देखिए दो चीजें इस फैसले को मेरी नजर में, एक तो पिछले दशकों से
जो यहाँ का एक भाईचारा, सद्भाव परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके एक टकराव की, मतभेद की स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्तम निर्णय दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी गया था। लेकिन अब इस कार्यशाला का काम फिर से तेजी से होगा और यहाँ पर लोग, जब आज फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है, तो लोग यहाँ पर भारी संख्या में उमड़े हैं, क्योंकि ये कार्यशाला में पत्थर लगभग, ये माना जा रहा है कि तराश के लगभग तैयार रखे गए हैं और इस कार्यशाला के पत्थर का में मंदिर निर्माण कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने एक मंदिर बना हुआ है जो हूबहू मंदिर है, सेम ऐसा ही जो आज फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो तीन महीने के अंदर जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि पूरी एक ट्रस्ट बना करके और मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, तो वो एक ऐसे ही होगा। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या विवादों में आई और क्या क्या विवादों का कारण रहा, हम क्रमशः बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस कार्यशाला के पत्थरों की भी कार्यगुजारी किस तरीके से की गई, कैसे इसमें जो कलाकृतियां दी गई हैं वो भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन चाहेंगे कि आगे दिखाने का प्रयास करें कि पत्थरों में किस तरीके से कलाकृतियां दिखाई गई हैं और कहां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लोग यहां पर पहुंचे थे और वो यहां पर तराशने का जो कार्य है वो लगातार तेजी से चल रहा है। लेकिन मैं आपको क्रमशः बताने का प्रयास करता हूँ कि 1989 भारतीय जनता पार्टी ने BHP को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को एक नया जीवन दिया था। तो वहीं भगवान रामलला विराजमान के नाम से पांचवा मुकदमा 1 जुलाई 1989 को ज्वाइन किया गया था। 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। तो 25 सितंबर 1990 BJP अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। वहीं 1991 में उत्तर प्रदेश से कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। वहीं 6 दिसंबर 1992 हजारों की संख्या में कार सेवकों ने उस विवादित स्थल को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद 1992 में तोड़फोड़ के बाद 2002 जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवादित को सुलझाने के लिए हिंदू और मुसलमानों से बातचीत करने का काम प्रारंभ हुआ। 2009 में जिस तरीके से लिम्बरा आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो वहीं 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसके बाद से 9 मई 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 2016 बाबरी मामले में सबसे उम्रदराज वादी हाशिम अंसारी का निधन हुआ। वहीं 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही, लेकिन 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित BJP और RSS के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए। लेकिन 5 दिसंबर 2017 इस विवाद पास से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। लगातार ये सुनवाई चलती रही सुप्रीम कोर्ट में, लोगों को इंतजार रहा कि आखिरकार अब की बार राम का वनवास कब पूरा होगा, और उस इंतजार को के पहले 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई निरंतर चलती रही। लेकिन आज जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला आया और कहीं ना कहीं अयोध्या ने एक बार फिर से मैसेज दिया है कि अयोध्या के उस स्थल पर जहां पर राम का जन्म हुआ था उसे माना गया और वहां पर अब राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन अयोध्या में अगर राम की आरती की गूंज सुनाई देगी तो अयोध्या में ही वो नमाज की गूंज सुबह ही सुबह सुनाई देगी, क्योंकि कोर्ट ने फैसला किया है कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही जमीन दी जाए मस्जिद के लिए भी, जहाँ पर नवाजी भी अपनी नमाज अदा करेंगे। तो एक बार फिर अयोध्या ने एक नया मैसेज दिया है पूरे विश्व पटल को कि अगर भाईचारे का नया संदेश कोई देता है तो अयोध्या देता है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या की कार्यशाला से संजय सिंह